ब्रेकिंग न्यूज एटा पुलिस ने जूता व्यवसायी की हत्या का किया सनसनीखेज खुलासा। मृतक जूता व्यवसायी की बहन का प्रेमी ही निकला हत्यारा। प्रेम प्रसंग में बाधक बनने वाले भाई अबरार हुसैन की गोली मारकर की थी हत्या। 7 मार्च को मृतक की बहन की बदायूं से आनी थी बारात, प्रेमी परवेज इसको लेकर था नाराज। पुलिस ने आरोपी परवेज को किया गिरफ्तार। हत्या में मदद करने वाले 2 हत्यारे अभी फरार। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए अवैध तमंचे को किया बरामद। प्रेमिका की 7 मार्च को होने वाली शादी मृतक भाई की शादी कराने में थी अहम भूमिका। कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला पोता के पास बालाजी मंदिर के पास पड़ा मिला था युवक का शव। बाइट उदय शंकर सिंह, एसएसपी एटा। एक युवक जो अपनी दुकान से अपने घर जा रहे थे और घर से तकरीबन 400-500 मीटर को पहले ही अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा इस पर FIR पंजीकृत किया गया। गहराई से छानबीन करने पर हत्या में मृतक की बहन के एक प्रेमी का हाथ होना पाया गया। उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त हालांकि की बरामदगी कर ली गई है। जानकारी पर यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक की बहन की शादी होने जा रही थी, जिसका अभियुक्त विरोध कर रहा था। ये नहीं चाह रहे थे कि वो शादी हो। उस शादी को रोकने के उद्देश्य से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया जाना छानबीन से प्रकाश में आया है। पुलिस को 2 तमंचे बरामद हुए हैं। वो 2 तमंचे का क्या रोल है? घटना से पूर्व एक